कोई पहुंचो ना पहुंचो साडा काम है, असीं पहला भी सिद्धू नाल, अज भी सिद्धू नाल रहांगे। इस वेले की वड्डी खबर सामने आ रही है कि कांग्रेसी आगू नवजोत सिंह सिद्धू अज सरेंडर नहीं करेंगे। जी हाँ, तुहानू दस दिए कि नवजोत सिंह सिद्धू ने सुप्रीम कोर्ट तो एक हफ्ते का समा मंगया है। नवजोत सिंह सिद्धू के वालों सेहत का हवाला दिंदिया एक हफ्ते का समा मंगया गया है, जिसके चलदिया दसिया जा रहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू अजे सरेंडर नहीं करेंगे। दस दी कि अज सवेर तो ही नवजोत सिंह सिद्धू के पटियाला घर के करीबियों का आन का सिलसिला जारी सी। उन्होंने वालों लगातार नवजोत सिंह सिद्धू को मिलया जा रहा सी, कहा जा रहा सी कि 34 साल पुराने रोडरेज मामले के नवजोत सिंह सिद्धू अज पटियाले सरेंडर कर सकते हैं, जिस तो बाद नवजोत सिंह सिद्धू को मिलने लिए उन्होंने करीबी उन्होंने लगातार घर पहुँच रहे थे, जिस विचकार हुण वड्डी खबर सामने आ रही है कि अजे नवजोत सिंह सिद्धू सरेंडर नहीं करनगे। उन्होंने वालों सुप्रीम कोर्ट तो एक हफ्ते का समा मंगे गया है। सोच है ये तो हमेशा कानून की पालना करते हैं, जो भी कानून कहते उसके मुताबिक मेरे ख्याल सिलेंडर करेंगे। ये तो नहीं, मैंने 9 बजे का सुनेहा मिले, 9 बजे में पहुंच गया। बाकी जो भी इन्हें समा होगा यदि सेवा च हाजिर की सपोर्ट से अभी खड़े हैं। पिट से पहुंचो ना पहुंचो साडा काम है, असीं पहला भी सिद्धू नाल अज भी सिद्धू नाल रहांगे। साडा काम है असीं हाजर हां, कोई आया ना आया सानूं इस गल दा ओहदी अपनी सोच है, वो अपनी सोच है, जो मर्जी कोई भी कुछ भी कहो। मैं कह रहा गल, हर एक कोई भी बंदा किसी का साथी सहयोगी है, उसकी जिम्मेवारी बनती है कि अपने साथी के नाल खड़ना। नहीं, एक अच्छे पॉलिटिशियन की भी जिम्मेदारी बनती है कि शहर में जो है उनको बता दिया जाए और वो बाद में आके मिल सकते हैं। इतने साधारण तरीके से जाके वहाँ सरेंडर कर देना चाहिए था, इसमें कोई अचीवमेंट नहीं है। ये क्या बराई है, जो कोर्ट ने फैसला दिता उन्होंने मनने की बराई की, कोई बराई नहीं। ये भी दस दी कि अज नवजोत सिंह सिद्धू नूं उन्हां दे करीबी नवतेज सिंह चीमा, अश्वनी सेखड़ी अते कांग्रेस पार्टी तो बाहर कढ़े गए सुरजीत धीमान भी मिलन लई पहुंचे है, अते उन्हां दे वल्लों कहा गया कि वह नवजोत सिंह सिद्धू दे नाल ने अते उन्हां दा हमेशा साथ देणगे। कोर्ट ने फैसला सुनाया और हुण नेक्स्ट स्टेप की लीगली तौर ते की हो सकदा है, लीगली तौर ते की पटीशन पाई जाएगी। हां जी वर्मा जी, तुहाडे बंदे कैसे हैं, तरह जी बोल रहे हैं यार, मैंने पहचानने वाले बंदे आ नहीं, पता नहीं मैंने पाया यार, एक मिनट टीज करते। वर्मा जी की पटीशन कल पाई जाऊगी जी, सारे डिसीजन लेंगे जी, जिहड़े इन्हां दे काउंसल ने। वैसे जे जे टेक्निकली समझण दी कोशिश करिए तां केस च पटीशन पाई जा सकदी है। हां जी भाई, हां जी हां जी, गिरफ्तारी ऑनरेबल बैकस्पोर्ट दी मर्जी, अज रात गिरफ्तारी हो सकदी। दस दी कि 34 साल पुराने रोड रेज केस दे विच सिद्धू नूं सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों 1 साल की सजा सुनाई गई है। उधर जदों इस फैसले ते नवजोत सिंह सिद्धू दे नाल पत्रकारां दे वल्लों गलबात की गई तां अगों नवजोत सिंह सिद्धू नो कमेंट कहिंदे होए सुनाई दिते अते उन्हां दे वल्लों जल्दबाजी दे विच गड्डी च बैठ के रवाना हुंदे होए भी नजर आए। दस दी कि 34 साल पुराने केस दे विच सुप्रीम कोर्ट विच सुनवाई हुई सी, जिस तो बाद नवजोत सिंह सिद्धू नूं 1 साल की सज़ा सुनाई गई है। यह मामला 1 दिसंबर 1988 का पटियाला च कार से जाते समय सिद्धू की बजुर्ग गुरनाम सिंह दे नाल टक्कर हुई अते उन्हां दे नाल धक्का मुक्की बहसबाजी हुई, जिस दौरान कुछ समय बाद गुरनाम सिंह की मौत हो गई। पटियाला पुलिस ने सिद्धू अते उसके दोस्तां दे खिलाफ इरादा कतल का मामला दर्ज किया, जिस तों बाद इस मामले दे विच जदों कल सुनवाई हुई तां सुप्रीम कोर्ट ने 1 साल लई सिद्धू नूं सज़ा सुनाई है। फिलहाल वड्डी खबर ये सामने आ रही कि नवजोत सिंह सिद्धू अजे सरेंडर नहीं करनगे, उन्हां दे वल्लों सुप्रीम कोर्ट तों 1 हफ्ते का समा मंगया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाबी लोक चैनल।